हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आरएम बुक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अजय देवगन के फिल्म दृश्यम 2 के शुरुआती 13 दिनों के बुक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे वरुण धवन के फिल्म भेड़िया के शुरुआती 6 दिनों के बुक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, हम इस दोनों मूवीज़ के बुक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और गाइस आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और गाइस बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वरुण धवन की फिल्म भेड़िया के बुक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों, बात करें भेड़िया मूवी के बजट की, तो गाइस इस मूवी का बजट है 60 करोड़, और दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड वाइड 2500 स्क्रीन में रिलीज़ किया गया है। और गाइस, इस मूवी के डायरेक्टर है अमर कौशिक, और इसके लीड रोल में आपको वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी एंड दीपक डोबरियल इसके लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बुक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने अपने शुरुआती पहले ही दिन 7 करोड़ 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया है, और इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 9 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने अपने तीसरे दिन शानदार कलेक्शन रहा, और इस मूवी ने अपने तीसरे दिन 11 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। यानी कि दोस्तों, इस मूवी ने अपने शुरुआती 3 दिनों में 28 करोड़ 60 लाख रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने अपने चौथे दिन 3 करोड़ 85 लाख रुपये का कलेक्शन किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला। और इस मूवी ने अपने 5वें दिन 3 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। यानी कि दोस्तों, इस मूवी ने अपने शुरुआती 5 दिनों में 35 करोड़ 95 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो फिर बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के 6ठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, यानी कि आज के दिन यह मूवी कितने करोड़ रुपए का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों, आज के दिन यह मूवी 3 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों, इस मूवी ने अपने शुरुआती 6 दिनों में टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 39 करोड़ 15 लाख रुपये का कर लिया है। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने अपने शुरुआती 6 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड 58 करोड़ रुपये के आंकड़े को टच कर दिया है। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के हिट ऑफ्लॉप की, तो दोस्तों इस मूवी को हिट होने के लिए 80 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके मूवी हिट साबित होगी। तो फिर बात करते हैं दोस्तों अजय देवगन के फिल्म दृश्यम 2 के शुरुआती 13 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं दृश्यम 2 मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट है 50 करोड़, और इस मूवी को वर्ल्ड वाइड 4000 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। और दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर है अभिषेक पाठक, और इस मूवी के लीड रोल में आपको अजय देवगन, निशिता दत्ता, श्रिया शरण, अक्षय खन्ना एंड तब्बू इसके लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने अपने शुरुआती 10 दिनों में 145 करोड़ रुपये का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया है। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने अपने शुरुआती 10 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपये के आंकड़े को टच कर दिया है। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने अपने 11वें दिन 5 करोड़ 45 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने अपने 12वें दिन 4 करोड़ 85 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। और बात करते हैं इस मूवी के 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, यानी कि आज के दिन ये मूवी कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों, आज के दिन ये मूवी 4 करोड़ 60 लाख रुपये का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि दोस्तों, इस मूवी ने अपने शुरुआती 13 दिनों में टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 160 करोड़ रुपए का कर लिया है। और दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस मूवी ने अपने शुरुआती 13 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड 228 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी है। और दोस्तों, आप अजय देवगन के फैन हैं और उसकी मूवी को देखना पसंद करते हो, तो गाइज इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और गाइज, आप इन दोनों मूवीज़ को देख चुके हो, तो गाइज आपको इन दोनों मूवीज़ में से कौन सी मूवी अच्छी लगी गाइज कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइज, आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जुड़ी सभी बड़े अपडेट पाना चाहते हो, तो गाइज आपके अपने चैनल आरएम बुक्स ऑफिस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज के लिए इतने, मिलते अगली वीडियो में।